Hello, welcome to my channel. Wireless LAN Architecture IEEE 802.1. हमने लास्ट वीडियो में एथरनेट पढ़ा था, एथरनेट फ्रेम फॉर्मेट. अब हम पढ़ेंगे वायरलेस लैन आर्किटेक्चर. आप जानते हैं आजकल कि हम वाईफाई के थ्रू फ़ोन और लैपटॉप्स में इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये वायरलेस के ही अंडर आ रहा है. और लैन जो होता है, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो काफ़ी कम डिस्टेंस के लिए होता है. एज अ नंबर ऑफ जितने भी एज अ नंबर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस ग्रोज, जिस तरह नंबर ऑफ मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो डिमांड है कनेक्टिविटी की जो आउटसाइड द वर्ल्ड, वो बहुत बढ़ रही है. और सिस्टम ऑफ नोटबुक कंप्यूटर, जैसे कि नोटबुक कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन या रेडियो, और जैसे कि रेडियो है, ये भी वायरलेस लैन में आता है. दीज लैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन कन्वेंशनल लैन. जो पहले जो लैन थे उससे इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, एंड इनकी रिक्वायर स्पेशल मैक सबलेयर प्रोटोकॉल्स. इसके लिए स्पेशल मैक सबलेयर प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं. द 802.11 भी स्टैंडर्ड डिफाइन द फिजिकल एंड मीडिया एज अ सबलेयर फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी विल टेक सिंपलिस्टिक व्यू दैट द ऑल रेडियो ट्रांसमीटर हैव सम फिक्स्ड रेंज. जो रेडियो ट्रांसमीटर होते हैं उनकी फिक्स्ड रेंज होती है, उसी रेंज तक वो चलते हैं. व्हेन अ रिसीवर इज विद इन अ रेंज, अगर वो रिसीवर उस विद इन रेंज में है, टू एक्टिव ट्रांसमीटर द रिजल्टिंग सिग्नल विल जनरली बी गार्बेज. अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप दिल्ली में हैं और जयपुर या उनके बीच में हैं, जैसे आप हम ट्रेन में होते हैं, तो दो ट्रांसमीटर हो रहे होते हैं, तो उस टाइम गार्बेज होता है, उस टाइम कोई यूज़ नहीं होता. इसीलिए जो रेंज होती है उसी रेंज में, उस रेंज के अंदर हम उस वो सिग्नल हम जैसे हम रेडियो के प्रोग्राम देख सकते हैं, सुन सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इन सम वायरलेस लैन नॉट ऑल स्टेशन आर विद इन द रेंज ऑफ वन अनदर. ऐसा भी होता है कुछ स्टेशन होते हैं जो लोकल होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम कहीं भी सुन सकते हैं. तो सबकी अपनी अलग अलग रेंज होती है. और वायरलेस लैन आर कॉमनली बींग यूज, और ये वायरलेस लैन कॉमनली कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, होम्स में, एसेस करने के लिए. जैसे किसी के घर में काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लैंड सर्वर वायल ऑन रोमिंग. तो वायरलेस लैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन सेलुलर आर्किटेक्चर. सेलुलर मतलब फोन, वेयर द सिस्टम इज सबडिवाइडेड टू सेल्स. इसमें सेल होते हैं, ईच सेल को बोलते हैं BSS, बेसिक सर्विस सेट इन द 802.11 जो है हमारा, उसमें इस कंट्रोल बाय बेस स्टेशन कॉल्ड एसएस पॉइंट. और इन सबको के इन सारे सेल्स को के कंट्रोल किया जाता है बेस स्टेशन से, जिसको बोलते हैं कॉल्ड एसएस पॉइंट. हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये वायरलेस लैन आर्किटेक्चर IEEE हैज डिफाइंड द स्पेसिफिकेशन फॉर वायरलेस लैन बेसिक सर्विस. ये देखिए बेसिक सर्विस, ये BSS है, और ये SS पॉइंट है, इसका बेस स्टेशन है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ये सारे डिवाइड हो रखे हैं. ठीक है, ये देखिए SS पॉइंट, ये बेस स्टेशन है, और ये हमारा BSS, ये सेल्स हैं, जो ये BSS है. तो यही इसका आर्किटेक्चर है. और मोस्ट स्टेशंस विल फॉर्म बाय सेवरल सेल एंड वेयर AP आर कनेक्टेड थ्रू सम काइंड ऑफ बैकबोन कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम DS. दिस बैकबोन में बी एथरनेट और इन सम केसेस इट कैन बी द वायरलेस. द DS अपीयर्स टू अपर लेवल प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जाम्पल IP. अपर लेवल प्रोटोकॉल में अपेयर होता है, इसको IP भी बोल सकते हैं, एज अ सिंगल 802 नेटवर्क. इन सच इन मच द सेम वे एज अ ब्रिज इज इन अ वायर इज 802.3. द एथरनेट नेटवर्क अपीयर्स एज अ सिंगल 802 नेटवर्क टू अपर लेयर प्रोटोकॉल्स. तो ये हमारा वायरलेस था. तो स्टेशंस कैन ऑल्सो ग्रुप देमसेल्व्स टुगेदर फॉर एडहॉक नेटवर्क. और जो स्टेशंस हैं वो खुद भी ग्रुप हो सकते हैं, उसे एडहॉक नेटवर्क कहते हैं. जैसे कि हम ट्रेन में होते हैं, नेटवर्क विद नो सेंट्रल कंट्रोल, जहाँ पे कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, विद नो कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हियर द नेटवर्क इज फॉर्म ऑन द फ्लाई सिंपली बिकॉज देयर हैपन्स टू मोबाइल डिवाइसेस. जैसे कि मोबाइल डिवाइस दैट हैव फाउंड देमसेल्फ प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, दैट हैव नीड अ कम्युनिकेट, एंड दैट
Find no pre-existing network infrastructure. An ad hoc network might be formed when people with laptops, jinke pas laptops hai, meet together, for example, in a conference room, in a train, in a car, want to exchange data in the absence of centralized AP. Jahan pe centralized AP nahi hai, jaise ki conference room, train or car, to yahan pe ad hoc networking is. So there is a tremendous interest in ad hoc networking communication between devices continue to proliferate. Then we come to hidden and exposed station problem. और इस वर्ड से hidden से समझ में आ रहा है कि छुपा हुआ, और exposed मतलब पता है सबको उसके बारे में. और range of a terminal. अब हम पढ़ेंगे कि hidden station क्या होता है. There are two fundamental problem associated with wireless network. Assume there are four nodes. हम ये assume करते हैं कि यहाँ पे हम ये assume करते हैं कि three nodes हैं यहाँ पे. Are in the radio range of each other. Similarly, A B in a radio range of each, but C is not the radio range of A. C जो है A की range में नहीं है, ठीक है. तो now suppose that there is a transmission. अगर हम suppose करते हैं कि transmission going on between A and B के बीच transmission हो रहा है. If C also wants to transmit to T, first it will sense. सबसे पहले वो sense करेगा medium, but will not listen to A. लेकिन वो A को नहीं सुन सकता है, वो खाली B को सुन सकता है. एंड ट्रांसमिशन टू B बिकॉज A इज आउटसाइड, क्योंकि A उसकी रेंज के अंदर नहीं है. थस C विल क्रिएट गार्बेज फॉर फ्रेम कमिंग टू A. A इफ इट इज ट्रांसमिट टू B, दिस इज कॉल्ड हिडन स्टेशन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम ऑफ स्टेशन नॉट बीइंग एबल टू डिटेक्ट अनदर नॉट बिकॉज दैट नॉट इज टू फार अवे इज कॉल्ड हिडन स्टेशन. जैसे कि C है, C जब भी इसको सिग्नल भेजेगा B को तो पहले सेंस करेगा, लेकिन वो A को सेंस नहीं कर सकता है. तो अगर ये यहाँ से भेज रहा है और ये भी यहाँ से सेंस करके भेज रहा है तो कॉलिशन हो सकता है. तो इसी को हिडन स्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि ये इसके रेंज में नहीं है तो इसको ये शो नहीं होगा, और C इसकी रेंज में नहीं है तो A को शो नहीं होगा. तो यहाँ पे कॉलिशन प्रॉब्लम आती है. नाउ और इसका हम देखते हैं. अब हम करते हैं रिवर्स सिचुएशन जो है वो एक्सपोज स्टेशन में होती है. एक्सपोज स्टेशन विद इन द रेंज ऑफ इंटेंडिंग सेंटर बट आउट ऑफ रेंज ऑफ द रिसीवर एक्सपोज सेंटर बी. जैसे ए बी सी डी, तो सी ट्रांसमिट्स टू डी. इफ बी ट्रांसमिट्स टू ए, बी कैन नॉट हेयर फ्रॉम ए सॉल्यूशन, एक्सपोज सेंटर बी नीड्स टू डिफर. तो यहाँ पे देखिए, सी ट्रांसमिट्स डी, टू डी. इफ A transmits to B, cannot reply and confuses four cases. A needs to notify that its receiver B is exposed. How can B hears A? तो हम exposed station problem में देखेंगे कि in the case B is transmitting to A, both are radio range of each other. Now C अगर D को कर रहा है, it senses the channel, hears an ongoing transmission, and falsely conclude it cannot transmit to D. But the fact is transmission C and D would not have caused any problem because the intended receiver C and D are in different range. This is called exposed station problem. अगर ये different range में है तो भी problem आती है. और In this section we will describe two wireless LAN protocol. हम दो wireless LAN protocol भी discuss करेंगे. एक है MACA और एक है MACAW, माका एंड मकाओ. माका जो है वो oldest protocol of the two है, और माका was proposed an alternative to CSMA protocol which has a certain drawbacks. जो माका है ये हमारा CSMA protocol का ही alternative. हम CSMA की जगह इसको भी use कर सकते हैं. इसकी full form media access control अवॉइडेंस. फर्स्ट इट सेंसेज द चैनल टू सी इफ द चैनल इज फ्री. सबसे पहले ये सेंस करता है चैनल को, क्या वो फ्री है. इट ट्रांसमिट्स पैकेट, अदरवाइज इट वेट्स रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम. ये सेंस करता है और भेजता है, और अगर उस टाइम पे फ्री नहीं है तो ये वेट करता है. यहाँ पे देखिए, क्लियर स्क्रीन, रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड, इस टाइप से यहाँ पे है. एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है यहाँ पे. तो सेंडर स्टेशन प्रॉब्लम लीडिंग टू फ्रीक्वेंट कॉलिजन. पर हिडन स्टेशन प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, जो हमने अभी पढ़ा उसमें कॉलिजन हो रहा था. तो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम लीडिंग टू वर्स बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन. और एक्सपोज में क्या हो रहा था, लेड टू वर्स बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का वर्स हो रहा था. और माका है मीडिया एसेस कंट्रोल अवॉइडेंस.
तो एलिमिनेट्स द हिडन एंड एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग RTS, रिपीट टू सेंड. अगर नहीं गया है वो तो हम वेट करके वो दोबारा भी भेज सकता है. एंड CTS इज क्लियर टू सेंड. रिसीवर रिस्पॉन्ड विद क्लियर टू सेंड कि क्लियर है लाइन, आप सेंड कर सकते हैं. सेंडर रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट टू सेंड. एंड विच इज हैंड शेक मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको. एंड विच इज एक्सप्लेन बिलो अबव में. RTS एंड CTS पैकेट्स कैरी द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन विच विल हैव सम इम्प्लीकेशंस. ऑल नॉट्स डियर द सेंडर रिसीवर आफ्टर हेयरिंग RTS एंड CTS विल डिफर द ट्रांसमिशन. देयरफॉर इट अवॉइड सम केसेज ऑफ हिडन एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम. हाउ इट डज नॉट ऑलवेज अवॉइड दिस प्रॉब्लम. इफ द नेबर हियर्स द RTS ओनली इट इज फ्री टू ट्रांसमिट वंस द वेटिंग इंटरवल्स ओवर. ठीक है, यहाँ पे इसने पहले RTS भेजा. अदर नोड इज सेंडेंस रिच और यहाँ पे क्लियर टू स्क्रीन, ये भी RTS जा रहा है. ठीक है, और जब उसको मिल जाता है तो एक्नॉलेजमेंट भी हो रहा है. तो सेंडर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सेंड फ्रेम कंटेनिंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन. रिसीवर रिस्पॉन्ड विद क्लियर टू सेंड फ्रेम सेंडर्स डेटा एंड रिसीवर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट. नाउ अनदर सेंडर कैन सेंड डेटा. व्हेन सेंडर डजंट गेट CTS बैक इट अज्यूम्स कॉलिजन. अगर नहीं आता तो उसका मतलब है कि कॉलिजन हुआ है. और इसमें क्या है कि इसकी भी एक एक्सटेंशन है. डिस्पाइट ऑफ दीज प्रिकॉशंस कॉलिजन कैन स्टिल ऑकर. इन सारे प्रिकॉशंस के चक्कर में भी कॉलिजन हो रहा था. तो दीज फ्रेम्स इट कॉलाइड एंड विल बी लॉस्ट इन द इवेंट ऑफ कॉलिजन एंड अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन. वन दैट डज नॉट नो हियर CTS क्लियर टू सेंड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम इंटरवल. उस टाइम के अंदर नहीं आ पा रहा है तो वेट टू अ रैंडम काउंट ऑफ टाइम, ट्राइज अगेन लेटर. तो इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो मकाओ है. तो मकाओ में क्या है, द मैक फॉर वायरलेस. तो मकाओ में टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस विच विल हैव द फॉलोइंग हैंड शेकिंग मैकेनिज्म. RTS एंड CTS DS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेटा एक्नॉलेजमेंट. इट इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम. हमने यहाँ पे डायग्राम आपको नहीं बताया. डायग्राम में यही होगा कि पहले वो RTS करेगा, फिर CTS आएगा, फिर डेटा सेंड होगा, डेटा सेंडिंग मैसेज जाएगा, फिर उसके बाद डेटा होगा और फिर एक्नॉलेजमेंट होगा. ये होता है इसमें. और मकाओ जो है इसमें डेटा लिंक लेयर एक्नॉलेजमेंट होता है, एडिशनल करियर सेंसिंग होती है, इम्प्रूव बैक ऑफ मैकेनिज्म होता है और डेटा मैसेज होता है. तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे भी देखिए मैंने कुछ लिखा है. बाइनरी एक्सप्लेनेशन बैक ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड इन मेका माइट स्टाफ फ्लो समटाइम्स एंड द प्रॉब्लम सॉल्व बाय मकाओ एंड द पैकेट हेडर हैज करंट बैक ऑफ काउंटर वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉट इन इम्प्लीमेंट्स पर फ्लो फेयर्स एज सपोज टू द फेयर इन मका. अब हम आते हैं IEEE 802.1 प्रोटोकॉल स्टैक. ये क्या है? अभी हमने इससे पहले भी एक स्टैक पर एक फ्रेम फॉर्मेट देखा था. अब हम ये स्टैक देखते हैं. IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन इज सिमिलर इन मोस्ट रिस्पेक्ट्स टू द IEEE 802.3 एथरनेट स्टैंडर्ड एड्रेस. एज शोन इन द फिग 5 द फिजिकल लेयर ऑफ 802.1 कॉरेस्पॉन्ड ऑफ OSI फिजिकल फेयरली वेल. बट डेटा लिंक लेयर इन 802 प्रोटोकॉल स्प्लिट इंटू टू और मोर सब लेयर्स. टू और मोर सब लेयर डेटरमाइन हाउ द चैनल्स आर लोकेटेड, दैट इज हु गेट्स टू ट्रांसमिट. अबव इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर हुज जॉब इज टू हाइड द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट 802 वेरिएंट एंड मेक देम इनडिस्टिंग्विशेबल एज फार एज द नेटवर्क इज कंसर्न्ड. तो यहाँ पे लॉजिकल लिंक कंट्रोल है. IEEE मीडिया एसेस कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग डायरेक्ट सीक्वेंस इंफ्रारेड. ठीक है, तो हम पहले फिजिकल लेयर को देखते हैं. हम
तो फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड स्पेसिफाई थ्री ट्रांसमिशन टेक्निक्स, अलाउ द फिजिकल लेयर द इंफ्रारेड मेथड यूज मच सेम टेक्नोलॉजी एज टेलीविजन रिमोट, जो हम टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में यूज़ करते हैं इंफ्रारेड मेथड में सेम वही होती है। द अदर टू यूज शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी, और इसमें शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी होती है जैसे कि रिमोट की, यूजिंग टेक्निक्स रॉन्ग नोन एज फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम। और DSSS जो होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है। बोथ दीज टेक्निक्स यूज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड दैट डज नॉट रिक्वायर लाइसेंसिंग, इनको रिक्वायर की जरूरत, जो हम रिमोट यूज करते हैं टीवी का उसमें हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। रेडियो कंट्रोल गैरेज डोर ओपनर्स ऑल्सो यूज द सेम पीस ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे कभी डोर ओपन करने के लिए भी हम रिमोट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी जरूरत नहीं। सो योर नोटबुक कंप्यूटर में फाइंड इटसेल्फ इन कॉम्पिटिशन विद योर गैरेज डोर। कॉर्डलेस टेलीफोन एंड माइक्रोवेव ओवन ऑल्सो यूज दिस बैंड, वो माइक्रो कॉर्डलेस जो टेलीफोन होते हैं और माइक्रोवेव वो भी ये यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दिस टेक्निक ऑपरेट 1 or 2 Mbps, 1 or 2 Mbps पे ऑपरेट हो जाती है एट लो एंड ऑफ पावर, पावर भी कम होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट टू मच कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, डो नॉट कॉन्फ्लिक्ट टू मच। और RF इज एप्लीकेबल, RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी इज एप्लीकेबल ऑफ बींग यूज नॉट ऑफ साइट लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होती। द अदर टू रेंज शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक आर नोन एज स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इट वॉज इनिशियली डेवलप फॉर मिलिट्री, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट के लिए किया गया था इसका डेवलपमेंट। द एसेंशियल आइडिया टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन सिग्नल ओवर अ वाइडर बैंडविड्थ टू मेक जैमिंग इंटरसेप्शन मोर डिफिकल्ट, जिससे कि जो डेटा है उनका वो लीक ना हो और जैमिंग ना हो। द स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज आइडियल फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिकॉज, ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है बिकॉज इट इज़ लेस सस्पेक्टेबल, इसमें ज़्यादा शक की गुंजाइश नहीं होती। और रेडियो नॉइज क्रिएट्स लिटिल इंटरफेरेंस, और रेडियो नॉइज की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होती है, इट इज़ यूज्ड कॉम्पली विद द रेगुलेशन फॉर यूज विद ISM बैंड। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम, फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग एंड सेकेंड इज डायरेक्ट सीक्वेंस। अब हम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग क्या है। बोथ दिस टेक्निक आर यूज इन वायरलेस डेटा नेटवर्क, ये वायरलेस डेटा नेटवर्क में यूज होती हैं और अदर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सच एज कॉर्डलेस टेलीफोन में भी यूज होती हैं। अंडर दिस स्कीम द सिग्नल इज ब्रॉडकास्ट ओवर अ सीमिंगली रैंडम डेटा सीक्वेंस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी हॉपिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी एट स्प्लिट सेकेंड इंटरवल्स, स्प्लिट सेकेंड इंटरवल्स पे होती है। रिसीवर हॉपिंग बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन विद द ट्रांसमीटर पिक्स अप द मैसेज, मैसेज पिक करता है यूजिंग फ्रीक्वेंसी हॉप स्पेक्ट्रम एंड 2.4 GHz डिवाइडेड इंटू 75 MHz चैनल में इसको डिवाइड कर। इन दिस स्कीम सीडो रैंडम नंबर जनरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस द सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हॉप टू, इसके लिए ये जो सीडो रैंडम नंबर जनरेटर है वो यूज किया जाता है। एज लॉन्ग एज ऑल द स्टेशन यूज द सेम सीड टू द सीडो रैंडम नंबर जनरेटर स्टेज सिंक्रोनाइज इन टाइम, दे विल हॉप टू द सेम फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली। FHSS रैंडमाइजेशन provides a fair way to allocate spectrum in unregularized ISM band. It also provides some sort of security because an intruder does not know the hopping sequence. It cannot eavesdrop on the transmission over a longer distance. Multipath fading can be an issue and FHSS offer good resistance to it. It also relatively insensitive to radio interference. Or radio interference ke liye इनसेंसिटिव है ये, और विच मेक्स इट पॉपुलर फॉर बिल्डिंग टू बिल्डिंग लिंक, बिल्डिंग टू बिल्डिंग लिंक के लिए काफ़ी पॉपुलर है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी बैंडविड्थ लो है। FHS अलाउ फॉर लेस कॉम्प्लेक्स रेडियो डिज़ाइन में से लेस कॉम्प्लेक्स होता है DSSS और बट FHSS लिमिटेड टू 2 Mbps डेटा ट्रांसफर के लिए लिमिटेड है। और रेड ड्यू टू FCC रेगुलेशन द रिस्ट्रिक्ट सब चैनल बैंडविड्थ इज 1 MHz कॉजिंग मैनी हॉप्स विच मीन्स दैट हाई अमाउंट ऑफ हॉपिंग ओवरहेड, इसमें खर्चा बहुत आएगा हॉपिंग ओवरहेड। और द DSSS इज बेटर चॉइस ऑफ WLAN एप्लीकेशन, DSSS बेटर चॉइस है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड टू 1 to 2 Mbps है। DSSS जो है डिवाइड 2.0 GHz बैंड इनटू 14 चैनल, चैनल्स यूजिंग द सेम लोकेशन शुड बी सेपरेटेड 25 MHz फॉर ईच अदर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। FHSS और DHSS आर फंडामेंटली डिफरेंट सिग्नलिंग टेक्निक and are not capable of interoperating with each other. Under this scheme, each bit in the original signal is represented by multiple bits in transmitting signal, which is known as chipping code.
The shipping code spreads the signal across a wider frequency band in direct proportion the number of bits used. Therefore, 10-bit chopping code spreads signal across a frequency band that is 10 times greater than 1-bit chipping code. The 802.11 MAC sublayer protocol. अब इसमें देखते हैं, आफ्टर द डिस्कशन द फिजिकल लेयर इट इज टाइम टू स्विच ओवर IEEE 802. सब लेयर प्रोटोकॉल्स. हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, डायरेक्ट सीक्वेंस इंफ्रारेड पढ़ लिया, अब हम इस पे आएंगे. फिजिकल लेयर भी हो गया हमारा. मैक सब लेयर प्रोटोकॉल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एथरनेट ड्यू टू द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी of the wireless environment compared to that of wired system. With Ethernet, a node transmit in case it has sensed the channel is free. If does not receive a noise burst back within first 64 bytes, the frame has almost assuredly being delivered correctly. With wireless technology, this situation does not hold. As mentioned in earlier, 802.1 does not use CSMA/CD due to the following problems. अब हम देखते हैं यहाँ पे. A wants to send to B but cannot hear that B is busy. Send कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि B busy है और C is B transmitting. B wants to send to C but mistakenly think the transmission will fail and A is transmitting. तो hidden station problem, exposed station problem इसमें भी है. तो CSMA does not avoid the hidden station problem and the exposed station CSMA may cause nodes to unnecessarily refrain from accessing the channel as shown in the figure. In addition, most radio are half duplex, meaning that they cannot transmit, listen for noise burst at the same time on a single frequency Ethernet does. The deal with this problem suppose two modes of operation, DCF and PCF, distributed coordination function and point coordinated function. Distributed हम पढ़ेंगे इसको. तो when DCF is employed, 802.11 uses a protocol called CSMA/CA. With collision avoidance. In this protocol, physical channel sensing, virtual channel sensing are used. Two methods of operation are supported. In first method, physical sensing. Before the transmission senses the channel, if the channel is sensed idle, it just wants then transmitting. But it does not sense the channel while transmitting but emits its entire frame, which may well be destroyed at the receiver end and due to interference there. If the channel is busy, the sender defers transmission until it goes idle, then start transmitting. If a collision occurs, the colliding station wait for random time using Ethernet binary exponential backoff algorithm, then try again later. The second mode of CSMA/CA operation is based on Macau and use virtual channel sensing. In this example, there are four stations A, B, C and D. A is a transmitter, B is a receiver and C is within radio range of A and possibly within range of A, where D is within range of V but within a range of A. When A has to send B, it begins by sending RTS frame to B and to request permission to send it a frame. When a B receives the request, it may decide to grant permission, in which case it sends CTS frame back. Upon receipt of CTS, A now sends its frame and start acknowledgement timer, and upon correct receipt of the data frame, B responds with acknowledgement frame leading to the closure of data transfer operation between A and B. In case A's acknowledgement timer expires before ACK gets back to it and the whole protocol is run again. Now will C and D nodes react to it? Node C is within range of A, so it may receive RTS frame. C may receive RTS frame because it is range of A. From the information in the RTS frame, it estimated how long the transfer will take, including the final acknowledgement asserting a kind of virtual channel busy for itself, indicating NAV, network allocation vector, as shown in similar D also asserts NAV signal for itself because it clears CTS, and NAV signal are not for transmission. They are just internal reminder to quiet for a certain period of time. In contrast to wired network, wireless network are noisy and unreliable. To deal with the problem of noisy channel, 802.1 allow frames to be fragmented into smaller pieces, each with its own checksum, because if a frame is too long, it has very little chance of getting through. Undamaged will probably have to be retransmitted. The fragments are individually numbered, acknowledged using a stop and wait protocol, logical link, and sender may transmit fragment K plus 1 until has received the acknowledgement fragment K. Once the channel is in acquired RTS CTS, multiple frames can be sent in a row and shown in fig. A sequence of fragment is called fragment burst.
द सेकेंड एडवांटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज दैट इट इंक्रीज द चैनल थ्रूपुट बाय नॉट अलाउिंग री ट्रांसमिशन टू द बैड फ्रेगमेंट रादर देन द एंटायर फ्रेम. द साइज ऑफ सी फ्रेगमेंट कैन बी एडजस्टेड बाय अ बेस स्टेशन इन अ सेल. अ बेस स्टेशन इन अ सेल कैन एडजस्ट द साइज ऑफ सी फ्रेगमेंट. द एनएवी मैकेनिज्म कीप्स अदर स्टेशन क्वाइट ओनली अंडर द नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट. बट अनदर मैकेनिज्म टू allow a whole fragment burst to be sent without interface. So far we have discussed DCF in which the base station polls the other station asking them if they have any frame to send. Since transmission order is completely controlled by base station PCF mode, no collision ever occurs. The standard prescribes a mechanism for polling but not the polling frequency, polling order or even whether the all station need to get equal service. The basic mechanism is for the base station is to broadcast a beacon frame periodically 10 to 100 times per second. The beacon frame contains system parameters such as hopping sequences at 12 times for FHSS clock synchronization. It also invites new station to sign up for polling service. Once the station has signed up for polling service at a certain rate, it is effectively guaranteed a certain fraction of bandwidth, thus making it possible to give guarantee of quality services. Battery life is also always an issue with mobile wireless devices, so 802.11 pays attention to the issue of power management. In a particular, the base station can direct mobile station go into sleep state until explicitly awakened by the base station or the user, having told a station to go to sleep. However, means that the base station has the responsibility of buffering any frame directed as it while the mobile station is asleep. These can be collected later. PCF and DCF can coexist within one cell. At first, it might seem impossible to have central control, distributed control operating at the same time. But 802.11 provides a way to achieve this goal. It works by carefully defining the inter-frame time interval. After frame has been sent, a certain amount of dead time is required before any station can send a frame. Now we come to data link layer switching. Before discussing the data link layer switching devices, let us talk about repeaters, which are one devices. Repeater provide both physical and electrical connections. दो connections को जोड़ने के लिए repeaters use करते हैं. Their functions are to be regenerated and propagate a signal in a channel. Repeater used to extend the length of LAN, which depends upon the type of medium. For example, 10 Mbps 802.11 LAN, that is use UTP cable. 10 base T has a maximum restriction of 100 meters. And many organizations have multiple LANs and wish to connection them. LANs can be connected devices called bridges, which operate as a data link layer. Unlike repeaters, bridges connect network that have different physical layers. It can also connect network using either the same or different types of architecture at the MAC, token ring, FDDI or Ethernet, etc. Bridges have some other characteristic, store and forward devices. Forward device high susceptible to broadcast storm. Bridges are store and forward device to provide error correction. They capture an entire frame before deciding whether to filter or forward the frame, which provide a high level of error detection. Because frame CRC checksum can be calculated with a bridge. Bridges are highly susceptible to broadcast storms. Broadcast storm occurs when several broadcasts are transmitted at the same time. Agar same time sare broadcast hote to storm hoga. It can take up huge bandwidth or bahut sari bandwidth lega. Before looking at the technology of bridges, it is worthwhile taking a look at the some common situation in which bridges are used. Tannenbaum has 6 reasons why signal nation may end up with multiple LANs. Multiple LAN in organization, isme aap bridges ke example dekh sakte hain. Multiple LAN, you know, many university corporate department have their own LAN primarily to connect their own personal computer, workstation, server. Since the goals of various department differ, different department choose different LAN, but there's a need of interaction, so bridges are needed. Geographical difference. The organization may be geographically spread over several buildings separated by considerable distances. May be cheaper to have separate LAN in each building and connect them with bridges and later link them to run a single cable over the entire site. Load distribution may be necessary to split what is logically a single line into separate line to accommodate the load. Load round trip delay. In such situation, single line would be adequate in terms of load, but the physical distance between the most machines can be great and more than 2.5 km for Ethernet. Even if laying the cable is easy to the network, would not work due to excessively long
राउंड ट्रिप डिले द ओनली सॉल्यूशन इज टू पार्टीशन द लैंड एंड इंस्टॉल ब्रिजेस बिटवीन द सेगमेंट्स यूजिंग ब्रिजेस द टोटल फिजिकल डिस्टेंस कवर्ड कैन बी इंक्रीज रिलायबिलिटी बाय इंसर्टिंग ब्रिजेस एट क्रिटिकल पॉइंट रिलायबिलिटी कैन इन्फोर्स इन द नेटवर्क बाय आइसोलेटिंग अ डिफेक्टिव नोड अनलाइक रिपीटर विच जस्ट कॉपी वॉट एवर इट सीज ब्रिजेस कैन बी प्रोग्राम टू एक्सरसाइज सम डिस्क्रिशन रिगार्डिंग वॉट फॉरवर्ड्स वॉट इट डज नॉट फॉरवर्ड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन ब्रिजेस टूडे एंड कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव ट्रैफिक बाय आइसोलेटिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क इन एन आइडल सेंस अ ब्रिज शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फुली transparent it means that it should allow the movement of a machine from one cable segment to another cable segment without change of hardware and software configuration tools interpretably it should allow a machine on LAN segment to talk to another machine on another LAN segment operation of bridges in different LAN environment we have studied the feature of bridges why we require multiple LAN let's learn how they work assume that there are two machines A and B both of them are attached to a different LAN machine A is on wireless LAN ethernet IEEE 802.3 while B is on the LAN are connected to each other a bridge now A has packet to be sent to B the flow of information at a host A is shown below the packet at machine A arrives at the LLC sublayer from the application layer through the transport layer network layer LLC sublayer header get attached to the packet then it moves to the MAC sublayer the packet get MAC sublayer header for attachment since the NOT is a part of wireless LAN the packet goes to the ear using GRF this packet is then picked up by the base station it examines its destination address and figures that should be forwarded to the fixed LAN. It is Ethernet in our case. When the packet arrives at the bridge which connects the wireless LAN and Ethernet LAN, it starts the physical layer of the bridge and moves it to LLC layer. At MAC sublayer, its 802.11 header is removed. The packet arrives at the LLC of a bridge without any 802.11 header. Since the packet has to go to 802.11 LAN, the bridge prepares packet accordingly. Note the bridge is connecting a k different LAN will have k different MAC sublayer and k different physical layers one for each type so far we have represented a very simplistic scenario in forwarding a packet from one LAN to another through a bridge in this section we'll point out some of the difficulty that one encounters when trying to build a bridge between the various 802 LAN due to focus on different reasons different frame format to start with each of the LAN uses a different frame format unlike the difference between the ethernet token bus and token ring which were due to history and big corporate egos here the different differences are some content legitimate for example duration field in 8021 is there due to the MCAO protocol and that no sense is ethernet as a result any copying between different LAN requires reformatting which takes CPU time requires new checksum calculation and it is a possibility of undetected error due to bad bits and it's in the bridge's memory different data rates when forwarding a frame from fast LAN to slower one the bridge will not be able to get rid of the frame as fast as they come in therefore it has to be buffered for example if a gigabyte ethernet is pouring bits into 11 Mbps 802.1 LAN at the top speed the bridge will have to buffer them and hoping not to run out of memory different frame length an obvious problem arises when a long frame must be forwarded onto LAN then cannot accept it this is the most serious problem the problem comes when a long frames arise now the solution is that frame must be split but such a facility is not available at the data link layer therefore the solution is that such frame must be discarded basically there is no solution to this problem security both 802.11 and 802.16 support encryption in the data link layer but the ethernet does not do so this means that the various encryption services available to the wireless network are lost when traffic passes over the ethernet quality of service the ethernet has no concept of quality of service so traffic from other LAN will lose its quality of service when passing over the ethernet transparent bridges now we come to transparent bridges in the we will in large organization with many LANs just interconnecting them all raises a variety of issues even if they all just ethernet in this section we introduce a type of bridge called transparent bridge which is a plug and play unit which you connect to your network switch
it on. There's no requirement of hardware software changes, no setting of address switches, no downloading or routing control. Just plug and play. Furthermore, the operating existing LAN would not be affected by the bridges at all. In other words, the bridges would be completely transparent, invisible to all the hardware software, operating in a promiscuous mode and transparent, which captures every frame that is transmitted in all network to which the bridge is connected. The bridge examines every frame it receives and extracts each frame source address, which it adds to the backward address table. Here is a configuration with four LANs, two bridges, A, B, B1 and LAN to C and this. जैसे यहाँ computer X है, Y है, बीच में एक bridge है. An example, take the following confirmation. आप example देख ही रहे हैं. तो इसमें if the destination LAN is unknown, अगर destination LAN unknown होती है तो उसको flooding बोलते हैं. If the destination and source LAN are different, forward the frame. If the destination source LAN are the same, discard the frame. ये सब क्या है? इसके destination address या the routing procedure for in-frame depends upon line it arrives. ये सारा कुछ है इसका. When the bridges are first plugged in, its hash table are empty. जब हम first plug in करते हैं तो hash table empty होते हैं. None of the bridges know where these destination nodes are exactly. कहाँ पर हैं ये destination, किसी bridge को नहीं पता हो. Therefore they use a flooding algorithm. Flooding algorithm. Every incoming frame from unknown destination is output on all the LANs to which the bridge is connected, except to the one it is arrived. Gradually the bridges learn where destination are. Once the destination is known, there is no more flooding and the packet is forwarded on the proper LAN. The algorithm used by the transparent bridges is called backward learning. As mentioned above, the bridges operate in promiscuous mode, so they see every frame sent on any other LAN by looking at the source address. They can tell which machine is accessible on which LAN. For example, if bridge B2 in figure 10 sees a figure and 3 coming and it knows the most reachable . Now we come to spanning tree protocol. For reliability, some network contain more than one bridge, which increases the likelihood of networking loop. अगर more than one is, तो networking loop हो जाता है. तो networking loop occurs when frame are passed from bridge to in a circular. अगर circular manner में तो loop हो जाता है. Never reaching its destination to prevent network loss when multiple bridges are used. Multiple bridges होते हैं. तो bridges communicate with each other, establish a map of the network to derive which is called a spanning tree for all the network. Spanning tree consists of single path between source destination node that does not include any loop. The spanning tree can be considered to be a loop-free subset of network technology. The spanning tree algorithm specified in IEEE 802 ID describe how bridges and switches can communicate to avoid the network loops. So you can see, you can understand with this diagram also. Now we come to source routing bridging. IBM introduced source routing bridges for use in token ring network. With source routing, the sending machine is responsible for determining whether a frame is destined for not on the same network or in different network. If the frame is destined for different network, then the source machine designate this by setting the high order bit of the group address, bit of the source address to 1. It includes in the frame header and the path the frame is to follow from source to destination. Sourcing routing bridge is used on the assumption that the sending machine will provide routing information for messages destined for different networking. By making the sending machine responsible for this use, a source routing bridges can ignore frame that have not been marked and forward only those frame with their high order destination bit set to. So now second block is finished now, and in next video we will discuss about addressing. Data ring layer, media access control, and this is concept of congestion handling, congestion handling techniques to manage congestion, routing concept. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके. और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.